खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे ट्विटर चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं आपको इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। दिन 28 मार्च 2022, तस्वीर में दिखने वाले ये अभियुक्त जुनेद और शुएब खैरनगर निवासी है। मेरे पुलिस की सर्विलेंस टीम और थाना चंदी पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें ये दोनों अभियुक्त शुएब और जुनेद तमंचे के बल पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। बीते दिनों महिला से तमंचे के बल पर सोने की चेन लूटने का वीडियो वायरल हुआ। मेरठ थाना नौचंदी पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर नौचंदी ग्राउंड के पटेल मंडप की बाउंड्री वॉल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, मैं एक जिंदा कारतूस और एक अदद देसी तमंचा 12 बोर, मैं दो जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की है। वहीं लूट का माल खरीदने वाले सर्राफ की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी सिटी नीत भटनागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा करते हुए यह बताया। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवेद खान की रिपोर्ट। पहले थाना मेडिकल क्षेत्र में और उसके बाद में थाना नौचंदी क्षेत्र में सिमिलर टाइप की वारदात हुई थी। महिला से चेन छीनी गई थी, जिसमें जो नौचंदी वाली घटना थी बड़ी सनसनीखेज थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें महिला को धमका के आतंकित करके उसकी चेन गले में पहनी हुई चेन छीनी थी। उसके बाद से इसको चैलेंज के रूप में लिया पुलिस ने। हमारी जो सर्विलांस की टीम का इसमें विशेष योगदान रहा है, सर्विलांस की टीम और थाना नौचंदी पुलिस दोनों की मिलीजुली कार्रवाई में दो मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें लूट करी हुई चेन भी बरामद हुई है, जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से हमने एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स एस्टेब्लिश करी है और साथ में जिस सुनार को इन्होंने जा करके बेची थी उस सुनार का भी नाम इसमें प्रकाश में आया। पहले भी उसने इन व्यक्तियों से इस प्रकार की खरीदारी करी और इस बार भी जानते हुए कि ये इसमें एक व्यक्ति कन्विक्टेड है और उसके बारे में ठीक से पता था कि वो इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, उसके बावजूद भी उससे खरीदारी करी है, ये बात इस्टेब्लिश हुई है। वो अभी वांछित चल रहा है। साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से लूट करते थे ये मोदी नगर से चोरी करी गई थी, इन्हीं के द्वारा चोरी करी गई थी, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। क्या क्या नाम है इनके, काफी रहने वाले हैं? ये दोनों ही जुनैद और शोएब, ये दोनों ही खैरनगर के रहने वाले हैं। दूसरा व्यक्ति है जो जुनैद है, उसमें भी जो है मुकदमे हैं, लेकिन वो मारपीट के मुकदमे हैं, लूट का मुकदमा है, पहली बार प्रकाश में आया।